लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके मुकदमे का फैसला होने वाला है पंडित जी। असल फैसला करने वाला तो यहां मौजूद है, फिर कचहरी के फैसले की कौन परवाह करता है? और अगर मैं मुकदमा जीत भी गया तो उस जमीन पर गांव वालों के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। बस मेरे लिए तो इनका आशीर्वाद ही काफी है। मैंने तुम्हारे भाई साहब जैसा भक्त नहीं देखा। पिछले 20 साल से जिस जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, आज उसका फैसला होने वाला है। फिर भी पृथ्वी सिंह जी ने अपना नियम नहीं तोड़ा। अगर पृथ्वी अपना नियम तोड़ दे तो कयामत आ जाएगी गुप्ता जी। इंस्पेक्टर साहब, ये मुकदमा आपके दोस्त पृथ्वी सिंह और आपके भाई मान सिंह के बीच चल रहा है, फिर भी जीत आप अपने दोस्त की चाहते हैं, ऐसा क्यों? एक बार दोस्ती कर लीजिए गुप्ता जी, गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। सूरज साहब, गुत्थी सुलझेगी या उलझेगी इसका फैसला तो अदालत का फैसला होगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मान सिंह ने तहसीलदार और पटवारी से मिलकर उनको रिश्वत देकर उस जमीन का पट्टा अपने नाम बदलवा लिया था। उसने यह जमीन छल और फरेब से हासिल की है। उसका इस जमीन पर कोई हक नहीं। यह जमीन पृथ्वी सिंह की पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन पर सिर्फ पृथ्वी सिंह और उसके परिवार का हक है। आ,
सरदार, ये ठाकुर मान सिंह हैं। सरदार, मेरा सब कुछ मुकदमे में बर्बाद हो चुका है। जो कुछ बचा आपके सामने लाया हूं। काम पृथ्वी सिंह के खानदान का नामो निशान मिटा दीजिए। आज? आज नहीं, परसों। क्यों? उस दिन पृथ्वी सिंह की बहन की शादी है। शादी? बर्बादी।
लगता है मुकदमे से जीती जमीन तुझे रास नहीं आई पृथ्वी। क्या कमी रह गई थी मेरी पूजा में कि तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। तू सिर्फ मेरा भगवान ही नहीं था, मेरा ईमान भी था, मेरा विश्वास भी था। बोल, तूने मेरे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? जैसे तूने मेरे खानदान को बर्बाद किया है, जैसे तूने मुझे इस बेरहम तरीके से सजा दी है, वैसे ही मैं भी तुझे सजा दूंगा। हाँ हाँ, विश्वासघाती, तो फिर मेरी सजा भी सुन ले। मैं पृथ्वी सिंह वर्ल्ड गंगा सिंह यह ऐलान करता हूं कि जैसे मैं बर्बाद हुआ हूं, वैसे तेरा भी नामा निशान मिटा दूंगा, तेरा भी नामा निशान मिटा दूंगा। मैं इस मंदिर को खत्म करा दूंगा, फिर कोई पुजारी तेरा नाम नहीं लेगा, तेरा नाम नहीं लेगा। मैं नहीं जानता था कि आप इतने जलील इंसान हैं। मुझे आपको भाई कहते हुए शर्म आती है। शर्म तो मुझे भी आती है कि मेरा भाई होते हुए तुम मेरे दुश्मन से दोस्ती निभाता है। और इसलिए आपने पन्ना डाकू से मिलकर उसका सारा वंश मिटा डाला। क्या बकता है तू? अगर तेरे औहदे का लिहाज ना होता तो तेरा मुंह तोड़ देता। सच्चाई सुनने में बहुत कड़वी लगती है ना? चुप हो जा वरना तेरी जबान खींच लूंगा। मैं नामर्द नहीं हूं। अगर पृथ्वी को बर्बाद ही करना था तो अपने हाथों से करता। अरे कमबख्त, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोचा था मेरा खून तेरे खून से अलग नहीं है। क्या मेरा खून इतना जलील है तू दोस्ती में अपने खून को भी नहीं पहचान सकता? आप सच कह रहे हैं भाई साहब। सूरज, अगर तुझे यकीन नहीं आता ना, मैं अपने स्वर्गीय माता पिता की कसम खा के कहता हूं, पन्ना डाकू से मिलना तो एक तरफ, मैंने आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। सिंह, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब तू इस दुनिया में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। पृथ्वी, तुम उन पर बिला वजह शक कर रहे हो। क्या तुझे इन चिताओं की आग नजर नहीं आती? मैं सच कहता हूं, इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं था। और मैं कसम खा के कहता हूं, ये आग तेरे भाई ने लगाई है। गुस्से की आग ने तुझे अंधा कर दिया है। खून के रिश्ते ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। क्या तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं? मुझे अपने दोस्त पर भरोसा है, लेकिन दुश्मन के भाई पर नहीं। मैं तुझे बर्बादी के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। मेरी बर्बादी तो हो चुकी, लेकिन अब मैं उसे बर्बाद करने जा रहा हूं जिसने मुझे बर्बाद किया। पृथ्वी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हट जा सूरज, हट जा मेरे रास्ते से। Ah!
माफ कर दो पृथ्वी। तो मुर्दों को शमशान में जलाते हैं मान सिंह, लेकिन आज मैं तेरी इस हवेली को ही तेरी चिता बना दूंगा। नहीं, 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 नहीं। अब तक अदालत में जो चश्मदीद गवाह पेश किए गए उनके बयानात से पृथ्वी सिंह निर्दोष पाए जाते हैं, लिहाजा यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म। ठहरिए योर ऑनर, मैं कतई कलाम के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अदालत के सामने मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो इस मुकदमे के रुख को पलट कर रख देगा। इजाजत है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप सच सच बताइए कि पृथ्वी सिंह मान सिंह का कातिल है या नहीं। योर ऑनर, पृथ्वी सिंह कातिल है। हिम्मत, तू बाहर जा बेटे। बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। क्या, मेरी बेटी हुई है? हाँ। कैसी है वो? बिल्कुल चांद जैसी। बहू ने उसे चंदा नाम दिया है। और गायत्री, वो कैसी है? उसकी हालत बहुत खराब है। वो तुम्हें एक बार देखना चाहती है। तुम आ गए, लो अपनी अमानत संभालो। भगवान ने मेरे मन की सुन ली। तुम्हें देखने के लिए सांसें अटकी हुई थी। इतना
इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बार बार यही कहती रही, सूरज तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तुम्हारे दोस्त की मेहरबानियों ने इसकी जान दे दी भैया। Good night.
दो चोटियाँ बनवानी है। अरे दो चोटियों में तो तू बिल्कुल बंदरिया लगती है। बंदरिया? नहीं बापू, मैं दो चोटियों में बंदरिया नहीं लगती। अच्छा, अगर बंदरिया नहीं लगती तो बकरी लगती है। बापू तुम्हें तो चोटी बनानी ही नहीं आती है। मैं अपनी काकी से बनाऊंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। चंदा बिटिया, अरे ओ चंदा बिटिया, क्या हुआ चंदा? काकी तुम मेरे बाल बनाओ, बापू को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। माँ तू इसके बाल मत बना। क्यों? ये मेरे साथ खेलने से मना करती है। बापू ये मुझे झूला नहीं झुलाता। झुलाएगा बिटिया झुलाएगा, हिम्मत बेटे चल चंदा के साथ जाके खेल। चल चंदा। अरे अरे चोटी तो बना दीजिए। चंदा मैं अपने प्राण मत अटकाना भैया, ससुराल जाएगी तो बड़ा दुख होगा। अरे भौजी जिस दिन चंदा अपने ससुराल चली जाएगी उस दिन मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। वो रहा मेरा घर। हिम्मत की, हिम्मत की तो सभी दाद देते हैं। तुम हिम्मत की बहादुरी की दाद दो के एन वक्त पर आके तुम्हें बचा लिया हवा में। तेरी बेशर्मी की दाद देती हूँ, इतनी बार डांट खा चुका है मगर फिर भी कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ हर जगह मेरे पीछे चला आता है। तेरा पालतू जो ठहरा हवा में। चलो यहाँ से चलते हैं, इसने यहाँ आकर सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे चल कहाँ दी हवा में? अगर तुम लोगों को नौचंदी के मेले चलना है तो फौरन तैयार हो जाओ जल्दी से। मेले तो हम जाएंगे मगर तुम बीच में कहाँ से टपक पड़े हवा में? सरदार का हुक्म है हवा में। तुम हमारे साथ नहीं जाओगी हवा में। सरदार नहीं मानने वाले हवा में। देखती हूँ कैसे नहीं मानते हवा में। अरे अरे चंदा मैं हूँ तेरी मोहब्बत का फंदा, अरे गले में डाल ले कसम से नौलखा बन के चमकूंगा। आई सरदार। बापू। हाँ। हिम्मत हमारे साथ मेले में नहीं जाएगा, तुम चलोगे। ठीक है जो हुक्म, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ चलें तो हम चलेंगे। सरदार क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? चंदा बिटिया को साफ बात क्यों नहीं बता देते? मंगल तुम चुप रहो। हाँ बिटिया चलने की तैयारी करो। पर बात क्या है मंगल चाचा? अरे बिटिया जिले का जो नया एसपी आया है ना वो सरदार का पुराना दुश्मन है, इन्हें पकड़ने के लिए उसने चारों तरफ जाल बिछा रखा है। तो फिर तुम मत चलो बापू। लेकिन चंदा तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं जाऊंगा ना हवा में। क्यों? हिम्मत की तो सभी दाद देते, तुम जरा हिम्मत की जबान की दाद दो, जो कहता वही होता हवा में। मगर बापू इससे कह दो कि ये डेरे पर ही निगरानी रखेगा, हमारे साथ मेले में नहीं चलेगा। सुन लिया ना हिम्मत? ठीक है सरदार, मैं नहीं जाऊंगा हवा में, ये अकेली जाएंगी मेले में। अरे चंदा इतनी सारी चूड़ियों का तू क्या करेगी? अरे चंदा इतनी सारी चूड़ियों का तू क्या करेगी? पहनूंगी और क्या करूंगी।
Who are you? हे देवी माँ, मुझे एक बार फिर उससे मिला दे। बार उससे मिला दो।
कुर्बान कर दी जवानी, मोहब्बत कुर्बान कर दी जवानी, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, मोहब्बत करोड़ो दिलों की दुआ, दीवानों से पूछो भाई। प्यार के चक्कर में तुम लोग और कितने चक्कर लोगे? तुमने तो अपना नाम बताया नहीं। तुमने पूछा जो नहीं। अब पूछ रहा हूं। चंदा। चंदा! Oh my God! ये तो कमाल हो गया। What a coincidence! What a strange इत्तेफाक। क्या? ए, पहले पूछो, मेरा नाम क्या है? पूछो, 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 पूछो ना। क्या है? आकाश। चंदा का आकाश। हाय दैया। हाथ छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना। पहले ये बताओ, कल कहाँ मिलोगी? यहीं, मेले में। Should I try? Should I try, Dad? Ah. Look, easy, 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 easy. Yeah. Come on. Yeah, okay. Come on. Ah. Good. शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार छुट्टियों में तेरा दिल यहाँ लग गया है। डैड, दिल ऐसा लगा कि जिंदगी बदल गई है। यार, तूने तो घोड़े को बहुत जल्द काबू कर लिया है। आप ही का तो बेटा हूँ डैड। काबू तो ऐसा किया है कि खुद बेकाबू हो गया हूँ। हिम्मत की, हिम्मत की तो सभी दाद देते हैं। हिम्मत की सूरत की दाद दो कि आईना भी देखकर खुश हो जाता है। ए, 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 चंदा, तू सुबह सुबह कहाँ चल दी हवा में? मैं झुमके खरीदने मेले जा रही हूँ। तुझे मतलब? मुझे मतलब है क्योंकि हमें अभी वापस लौटना है और सरदार का हुक्म था कि तीसरे दिन से पहले वापस लौटाना। मगर मुझे तो झुमके खरीदने हैं। अरे झुमके गए हवा में, तू कहने जाएगी? छोड़, मेरा हाथ छोड़। लगा लगा और जोर लगा, पूरा जोर लगा, लगाती रहे। देख हिम्मत, तेरी हिम्मत की तो सभी दाद देते हैं, मगर मैं तेरी ताकत की दाद देती हूँ। भला मुझसे तेरा मुकाबला क्या? आज तूने पहली बार कायदे की बात की हवा में। फिर तू भी एक कायदे की बात करना। बोल। हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जो पहले उस पेड़ को छू लेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर तू जीत गया तो मैं मेला देखने नहीं जाऊंगी। चल मानी तेरी बात, क्योंकि तू तो मुझसे जीत नहीं सकती हवा में। तभी तो, फिर लगाए दौड़। हाँ, इधर। एक, दो,
कहां उड़ गई? हवा में? वो आदमी कौन था? शक्ल से तो एकदम डाकू दिखता है। डाकू ही तो है। क्या क्या? इसमें इतने अचरज की क्या बात है? ए, देखो मजाक छोड़ो। मान लो मैं सच बोल रही हूँ तो? Then how the bloody hell do you know him? डाकुओं के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? डाकू क्या इंसान नहीं होते? इंसान? बिल्कुल नहीं। They are animals, जानवर होते हैं साले। तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। मालूम है वो जालिमों को उनके जुल्म की सजा देते हैं। ओ, ये सब फिल्मी डायलॉग है। लेकिन लेकिन तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे बापू भी डाकू हैं। ए, why you crying? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे तुम्हारी ये गिटपिट बोली बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो इसलिए रो रही हो? क्या तुम्हारे स्कूल में तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते? ये स्कूल क्या होता है? ओह गॉड, तुम्हें ये भी नहीं मालूम स्कूल क्या होता है? मैं शहर की रहने वाली नहीं हूँ आकाश। तुम कहीं की भी रहने वाली हो चंदा, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि स्कूल क्या होता है। वो बिल्डिंग देख रही हो? वो होता है स्कूल, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और खेलते हैं। By the way, चंदा, तुम रहती कहाँ पे हो? मैं जहाँ रहती हूँ, मालूम है, उस जगह का नाम ठिकाना कुछ भी नहीं है। ओफो चंदा, तुम्हारी बातें सुनकर के तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। जब तक तुम अपना पता नहीं बताओगी, हम मिलेंगे कैसे? हम जरूर मिलेंगे। लेकिन कहाँ? यहाँ से दूर उत्तर में एक नीली झील है। जब सूरज पूरा पश्चिम के बीचों बीच आकाश में हो। आकाश, तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। मेरा नाम सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि वो चंदा का घर है। और मेरा नाम भी इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका घर आकाश में है। ओ चंदा, you're so sweet, you're so stupid. ये स्टूपिड क्या होता है? स्टूपिड एक फल होता है, अनार की तरह, लाल लाल, खट्टा मीठा, खा जाऊं? तुम भी स्टूपिड हो। ओह रियली? Oh, Chanda, I love you, love you, love you, love you. Sardar, ye aa gayi. Poocho isse Sardar, kahan gayi thi? Hawa mein. Sardar, ye to meri baat ka jawab nahi hua. Himmat, teri himmat ki daad deti hu. Tu hota kaun hai mujhse sawal karne wala? Himmat ki to sabhi daad dete hain, magar main daad deta hu teri yaadasht ki. सरदार कितनी बार कह चुके तेरा और मेरा ब्याह होने वाला है हवा में। बापू, तो बताती क्यों नहीं, कहाँ गई थी? बापू, मैं झुमके खरीदने मेले गई थी। मगर सरदार, मैंने तो मेले का चप्पा चप्पा छान मारा, ये मुझे कहीं नजर नहीं आई। नजर कैसे आती बापू, मैं तो मेले में थी ही नहीं। मेले में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? बापू, हुआ ये कि जैसे ही मैंने झुमके खरीदे, वहाँ एक मिट्ठू आया और मेरे झुमके लेकर उड़ता बना। क्या बोला क्या बोला? एक मिट्ठू आया और तेरे झुमके लेके उड़ गया? हाँ, पापू, मैं इसका उल्लू बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। एक मिट्ठू आया और तेरे झुमके लेके उड़ गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या बापू, वो आकाश में और मैं आकाश के साथ। क्या मतलब? नहीं नहीं बापू, मेरा मतलब है कि वो आकाश में और मैं जमीन पर। ऐसा बोलो ना। दोनों हवा से बातें करने लगे। इतने में मैं इतनी दूर निकल आई कि रास्ता भूल गई। बस इसीलिए देर हो गई। लेकिन ये सारी गलती इसी की है। मेरी गलती? मेरी गलती कैसे? ठीक है ठीक है। अच्छा, अब तू जा और जाके कुछ खा पी ले, भूखी होगी भूखी। मैं खाना खाती हूँ
और तू पापू की डांट खा हवा में। चंदा से तेरी शादी करने का मेरा इरादा जरूर है, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं। मगर सरदार, ठीक है, इरादा तो है ना। चंदा बिटिया, कहाँ चली? पापू वो आज मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से अपने बापू के लिए एक लोटा छाछ का बना के ले आ। बापू वो ठीक है, अगर तुझे जल्दी है तो रहने दे। नहीं बापू, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अभी छाछ बना कर लाती हूँ।
से सबसे नजर बचा के मैं छुप के छुपा के आ गई तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई मुझे बाहों में उठा ले मुझे दिल में छुपा ले मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया मेरा दिल ले मिट जाएगा
प्यार रहेगा यहाँ रे। बाबा, आपने ये गाना कहाँ से सुना? हवाओं से सुना, फिजाओं से सुना, पूरी कायनात यही सरगम गुनगुना रही है। बेटी, ये गाना नहीं, दो दिलों के प्यार की गूंज है। सर, अभी अभी मुखबिर से पता चला है कि आज कनौटा गांव के लाला के यहां पृथ्वी सिंह डाका डालेगा। अब वो बचकर नहीं जाएगा। बंसी। जी ठाकुर। यही है तेरी मां के कंगन जिनकी वजह से तू बगावत पे उतर आया था। ये ले और अपने घर जा। आइंदा कभी भेड़ की तरफ मुंह भी नहीं करना। तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। जा। जी अच्छा। हिम्मत। जी सरदार। ये जेवर मंगल को दे दे। कल कृष्ण की बेटी की शादी है, ये सारे जेवर वहां पहुंचने चाहिए। अभी क्या हवा में? मेरी भी तो शादी होगी, जेवर तो मुझे बचेंगे। इन बही खातों पर तेल क्यों छिड़क रहे हो ठाकुर? जलाने के लिए। ऐसा मत करो ठाकुर, इनमें मेरी पुस्तकों का हिसाब किताब है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तू तो बर्बाद नहीं होगा लाला, लेकिन बहुत से गरीब लोगों के घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। माचिस जला के सरदार, सरदार, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम सब लोग पीछे के रास्ते से निकल जाओ। मगर आप? चलो लाला, आज एक पुण्य का काम भी कर लो। चलो। अपने आदमियों से कह दो गोली ना चलाएं, वरना ये लाला बेमौत मारा जाएगा। कोई गोली नहीं चलाएगा। सर, कुछ डाकू पीछे से भाग रहे हैं। तुम लोग उनका पीछा करो। चलो। आज परसों बाद मिले हैं, वो भी दुश्मनों की तरह। अपनी वर्दी का शुक्रिया अदा कर सूरज सिंह, जिसने तुझ जैसे गद्दार दोस्त का सामना तो कराया। तू ठीक कहता है पृथ्वी, लेकिन आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। पृथ्वी को सूरज तो क्या, ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं रोक सकती। रुक जाओ पृथ्वी, पृथ्वी रुक जाओ। पुलिस तो गई हवा में। ए, कौन है तू? पन्ना सिंह, डाकू पन्ना सिंह नाम है मेरा, और पृथ्वी सिंह की जान का दुश्मन हूं मैं। वो तो ठीक है, मुझसे क्या चाहते हो? लूटे हुए माल का बंटवारा। वो नहीं, ये तो मेरी शादी का माल है। ए, निकाल। ठीक है, पहले इसे तो हटा। ये ले, आधा हो गया। और निकाल। बंदूक मेरे पास भी है, घोड़े पे। क्या बहुत दर्द हो रहा है बापू? नहीं रे बेटी, ये लोहे का छरा क्या दर्द देगा? दर्द तो हमेशा इंसान देते हैं। वारे सूरज, जो रही सही कसर थी, आज वो भी तूने पूरी कर दी। तेरे लिए सारा जग ढूंढ मारा और तू यहाँ बैठी आकाश तक रही है। ले खीर खा ले,
तू खीर रख दे काकी माँ, मैं उसी के साथ खा लूंगी। किसके साथ? एक मिठू है। कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा। बस काकी माँ, आता है, कुछ देर मीठी मीठी बातें करता है, फिर उड़ जाता है। ऐसा तो किससे कहानियों में होता है। कहीं तेरा उसके साथ पिछले जन्म का नाता तो नहीं? मुझे तो लगता है मेरा उसके साथ जन्म जन्म का नाता है। बेटी, तू अब सयानी हो गई है, कोई भी रिश्ता सोच समझ कर बनाना। आकाश, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? मैं वो बातें लाया हूँ जो कल रात मैंने तुमसे की। सुनाओ। आहा, पहले तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या लाई हो। खीर। खिलाओ। पहले अपनी बातें सुनाओ। अच्छा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, चंदा, I love you, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आज तक तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। मैं सच कहता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। I will go crazy without you, इसमें ये लिखा है। आकाश, तुम्हारी आधी बातें मेरी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या गिटपिट लिखते हो। अच्छा बाबा, अच्छा, कल मैं प्योर हिंदी में चिट्ठी लिख कर लेके आऊंगा, ओके? अरे, तुमने मेरी चिट्ठी तो रख ली, मगर खीर अभी तक नहीं खिलाई। वाह। लो। वाह। पहले वादा करो कि तुम मुझे ऐसी खीर रोज खिलाओगी। तुम मुझे पढ़ना सिखाओगे ना? Definitely बाबा, रोज खीर खिलाओ, रोज पढ़ना सीखो। आकाश, ये खीर मैंने नहीं बनाई है, मगर मैं सीख लूंगी। हाँ, सच्ची सीख लूंगी। चंदा, तुमने इतनी अच्छी खीर खिलाई, जी चाहता है तुम्हें किस कर लूं। ये किस क्या होता है? तुम्हें ये नहीं मालूम किस क्या होता है? बताऊं? क्या खीर बनाई है? ये वेरी गुड क्या होता है? ये लो, अब इनको ये भी बताना पड़ेगा कि वेरी गुड क्या होता है। वेरी गुड ये होता है जैसे कि तुम बहुत अच्छी हो ना, वैसे ही तुम्हारी खीर भी बहुत अच्छी है। अच्छी है। मैंने पहली बार खीर बनाई थी ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं बनी थी। तेरे मिठू को जरूर पसंद आएगी। खीर में बाद में खा लूंगा, पहले तुम ये बोलो। मैं नहीं बोलूंगी। क्यों? ये बोलना गंदी बात है। बापू ने कहा था कभी किसी को ए नहीं बोलते। अरे बाबा, ये वो ए नहीं है, ये ABC का ए है। जानती हो, आकाश का पहला अक्षर ए से शुरू होता है। तब तो जरूर बोलूंगी ए आकाश। ए आकाश नहीं, ए फॉर आकाश। अब बोलो बी। तुम्हें कैसे मालूम कि काकी की सबसे प्यारी सहेली का नाम बी था? फरजाना बी। अब क्या बोलूं?
अब तो कुछ भी बोल दो। अच्छा बाबा बोलो सी। क्या? सी सी। तुमने मिर्ची खाई है क्या जो सी सी कर रहे हो? मैंने मिर्ची तो नहीं खाई है, लेकिन तुम मेरा भेजा जरूर खा लोगी। वो भी खा लूंगी, पहले तुम खीर खा लो ना थोड़ी सी। चंदा मेरी प्यारी चंदा, तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? कि आइंदा तुम मुझे ऐसी खीर बनाकर कभी नहीं खिलाओगी। हाँ? नहीं खिलाऊंगी। थैंक्स। अच्छा अब बोलो ए। मुझे नहीं पढ़ना। ए? बैठो यहाँ यूं ना दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा तो तुम्हें ए बी सी। चलो हट जाओ मुझे छोड़ो जी, नहीं पढ़नी मुझे ए बी सी। अच्छा बाबा अच्छा मुझे माफ करो, रुक जाओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ अच्छा मुझे माफ कर, रुक जाओ मुझे न सताओ, तुम्हें बताओ मुझे न सताओ, तुम्हें बताओ। ओ माय डियर डोंट यू फियर, कम कम नियर आई एम हियर। ओ माय डियर you figure, come come near, I am here.
प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम, सचमुच मुझ पर मरती हो तुम। यूं न देखो मुझे शर्म आती है सनम, मैं क्या करूं आंख झुक जाती है सनम। नहीं चंदा, जीप में चलाना। आकाश! चंदा, चंदा उतर जाओ। आकाश, आकाश बचाओ। चंदा, आकाश बचाओ। इसलिए रही हूं कि तुम मुझे अपने से भी ज्यादा प्यार करते हो। मेरी खातिर तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सच आकाश, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जी में आता है कि मैं तुम्हारी जोर से मिट्टी ले लूं। ये मिट्टी क्या होती है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मैं बताती हूं। I love you.
पूछ अपनी लाडली से कहां गई थी। बापू वो मैं चंदा झूठ मत बोल वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बोल कौन था वो लड़का। चंदा तू चली जाए यहां से। क्यों जवान लड़की का मुंह खुलवाता है, उसकी आंखों की हया मिट जाएगी। अगर वो किसी लड़के से मिली भी तो कौन सा गजब ढा गया। अगर जवान लड़का और लड़की अकेले में मिले तो क्या इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अगर दोनों के मन पाक हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हाँ तुझे ये पता जरूर लगाना चाहिए कि वो लड़का कौन है, किस खानदान का है, हमारी चंदा उसके साथ खुश रहेगी भी या नहीं। तू पागल हो गई है बहुजी, तुझे कुछ समझ नहीं। अब मैं वो जमींदार ठाकुर पृथ्वी सिंह नहीं रहा जिसके खानदान की लड़कियों को रिश्तों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। अब मैं पृथ्वी सिंह डाकू जिसकी बेटी किसी भी इज्जतदार घराने की बहू नहीं बन सकती। इसलिए मैंने सोच समझकर अपनी बेटी का हाथ तेरे बेटे हिम्मत के हाथ में देने का फैसला कर लिया है। तू हिम्मत की बात छोड़, अगर वो लड़का चंदा से सच्ची मोहब्बत करता है तो तेरा ये डर बेकार है। मोहब्बत वो ताकत है जिसके आगे खुद भगवान तक को झुकना पड़ता है। और तू ये क्यों नहीं सोचता चंदा की डोली किसी इज्जतदार घराने में जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बम बम भोले जय शिव शंकर। बच्चे हमें जरा शहर तक छोड़ देना, हड्डियों में दर्द के कारण चल नहीं सकता। वाह आपका जबरदस्ती लिफ्ट लेने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। बालक हमारी हर बात तुम्हें अच्छी लगेगी। हम तुम्हें ये भी बता सकते हैं कि जिस कन्या से तुम अभी मिलकर आ रहे हो उसका नाम चा से शुरू होता है। कमाल है, ये आपने कैसे जाना। बम बम बोले जय शिव शंकर। मेरे बच्चे जब मैं तुम्हारी आयु से भी कम था उस समय से मैं जो शास्त्र के समुद्र में डुबकियां ले रहा हूं। मनुष्य के भूत भविष्य के बारे में मैं 100% ठीक ठीक बता सकता हूं। ओ महाराज मेरे भविष्य के बारे में भी कुछ बता दीजिए ना। बम बम बोले जय शिव शंकर। तुम ये जानना चाहते हो कि जिस कन्या से अभी तुम मिलके आए हो उस कन्या से तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक बिल्कुल ठीक सर, राइट 100%। सर बताइए ना मेरी उसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी। ये सब बताने के लिए हमें तुम्हारी जन्म कुंडली देखनी होगी बच्चे। सर जन्म कुंडली घर पे, चलिए ना प्लीज, घर चलिए ना प्लीज। वैसे तो हम निकले ही थे तुम्हारे घर की यात्रा के लिए, चलो अवश्य चलो। हाँ चलो। भाई घर तो बहुत सुंदर है, आइए ना। तू चिंता मत कर बच्चे, सब कुशल होगा। तू जल्दी से कुंडली लेके आ। ये फोटो तेरे बाप की है। ये सर। फिर तेरी कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं, तेरी कुंडली में सबसे बड़ा शत्रु तेरा बाप है। चंदा के साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। आइंदा अगर तूने उससे मिलने की कोशिश की तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप नाहक परेशान हो रहे हैं सर, पृथ्वी सिंह ने सिर्फ कोरी धमकी दी है, उसकी इतनी मजाल नहीं कि वो पुलिस स्टेशन आ सके। मैं पृथ्वी को अच्छी तरह जानता हूं, वो जरूर आएगा। Thank you.
मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। जिस तरह दोस्ती का भरम देकर तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, ऐसे ही मोहब्बत का भरम देकर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने पर तुला है। उसे कल तक यहां से कहीं दूर भेज दे, वरना मैं उसे दुनिया से दूर भेज दूंगा। मैंने तुझे दोस्त समझकर अपने भाई का खून भी माफ कर दिया था, लेकिन तूने दोस्ती के सीने पर दुश्मनी का खंजर चलाकर वो लिहाज भी खत्म कर दिया। अगर अब तूने मेरे बेटे की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो कानून से पहले तू मेरा बंदी होगा। तू भी मौजूद है और तेरा कानून भी। देखता हूं कौन मुझे बंदी बनाता है। पृथ्वी सिंह, तू यहां से नहीं जा सकता। दुनिया की कोई ताकत पृथ्वी सिंह को ना आने से रोक सकती है और न जाने से। पृथ्वी, आज तू मुझे मात देकर जा रहा है, लेकिन याद रख, एक दिन जीत मेरी होगी। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। आकाश। डैडी आप? कौन है ये लड़की? चंदा। जानते हो ये किसकी बेटी है? ना। डाकू पृथ्वी सिंह का नाम सुना है? ये उसी की बेटी है। Come on, Dad, आप मजाक कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं। नहीं डैडी, दिस कैन बी ट्रू। इट इज ट्रू। आपसे जरूर कोई भूल हुई है। चंदा डाकू की बेटी नहीं हो सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है। आई मीन She is very innocent. तुम्हारी टिकट बुक हो चुकी है। कल सुबह तुम देहरादून वापस जाओगे और अपनी बाकी पढ़ाई वहीं पूरी करोगे। कल सुबह? इतनी जल्दी? लेकिन मुझे अपनी पैकिंग भी तो करनी है डैड। आकाश, तुम कल सुबह जा रहे हो, एंड दैट्स फाइनल। डैडी, चंदा से मुझे एक बार तो मिल लेने दीजिए। तुम पृथ्वी सिंह की बेटी से आइंदा नहीं मिलोगे आकाश, तुम्हें उसे भूलना होगा। डैडी, एक बार प्लीज, जस्ट वंस। गुड नाइट सन। जानता हूं आकाश तुम क्या सोच रहे हो, मगर मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। बिलीव मी सन, आई एम नॉट योर एनिमी। आई नो डैड, मैं जानता हूं। देखो, पढ़ाई में दिल लगाओ, स्पोर्ट्स में हिस्सा लो। आई एम श्योर कि कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाओगे। I love you, son. I love you too, Dad. मगर मैं उससे भी बहुत प्यार करता हूं। मुझे छोड़ के मत जाओ।
Yeah.
आकाश आकाश आकाश। चंदा, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। चंदा, वादा करो मुझसे, मुझसे वादा करो कि मौत भी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा ना कर पाए। वादा करो। नहीं होंगे आकाश, हम कभी जुदा नहीं होंगे। हिम्मत की तो सभी दाद देते, हिम्मत के कमीनेपन की दाद दे, तुझे पीछे से मारा हवा में। अरे चल हवा में। ए चंदा, मैं हूं तेरी मोहब्बत का फंदा, बीच में कहां से आ गया ये गंदा। अबे गधो, देखते नहीं हो लड़की भीग गई है? सरदार को पता चल गया तो खाल उतार लेंगे हवा में। चंदा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सरदार के हुक्म से कर रहा हूँ। सरदार ने कहा था कि इसकी ऐसी हालत करना कि इसके घर वाले भी इसको ना पहचान सके। चल हवा में। डॉक्टर साहब, यहां इसका इलाज हो पाएगा या नहीं मुझे खर्च की कोई परवाह नहीं। मैं इसे दुनिया की किसी भी कोने में ले जाने को तैयार हूँ। एसपी साहब, हम पे भरोसा रखिए, मुल्क चाहे कोई भी हो, इलाज तो इंसान ही करते हैं ना। चंदा, चंदा, चंदा। बाय द वे एसपी साहब, ये चंदा कौन है? डाकू पृथ्वी सिंह की बेटी। जी जी हाँ, उसी की बेटी के इश्क में मेरा बेटा दीवाना हो गया है। ये तो मालूम था कि बेहड़ों में रहते रहते आदमी पत्थर हो जाता है, मगर आज पहली बार पता चला है कि वो जानवर भी हो जाता है। उसने मेरे बेटे की मासूम मोहब्बत का जो सिला दिया है, मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना चतुर्वेदी, मैं कैसे आकाश की मोहब्बत को पृथ्वी के गले में फांसी का फंदा बनाकर डालूंगा। तुम देखना। ले चंदा, खाना खा ले। नहीं काकी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। सालिमों ने उसे इतनी बेदर्दी से मारा है कि पता नहीं उसका क्या हाल होगा। मैंने उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है।
उसका चेहरा देखे बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। मगर तू अपनी तो सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मगर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। छोकरे का दीदार कर लेने थे। वो पगली उसे अपना वर मानकर करवा चौथ का व्रत रख बैठी है। उसे बिना देखे तो वो भूखी मर जाएगी। मरती है तो मर जाने दे। बीहड़ में रहते रहते तू पत्थर हो गया है।
पर मैं उसे मरने नहीं दूंगी। बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने उसे। तो फिर उसे कह दे कि इस जन्म में तो क्या, सात जन्मों में भी उसकी शादी उस लड़के के साथ नहीं हो सकती। भले ही वो अपनी जान दे दे। तेरा कलेजा क्यों फटा जा रहा है? आखिर मैं उसका बाप हूं। मुझे तो तू उसका दुश्मन नजर आने लगा है। तू क्या कह रही थी? चंदा अपने वर का मुंह देखे बिना व्रत नहीं तोड़ेगी? हाँ। तो फिर मेरा फैसला सुन, चंदा का ब्याह हिम्मत से होगा, तैयारी शुरू कर। ये शादी रोक ले काकी माँ, ये शादी रोक ले, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ काकी माँ, ये शादी रोक ले, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इससे पहले पृथ्वी इसकी शादी हिम्मत से कर दे, तू इसे यहाँ से भगा दे। मैं पूछ सकता हूँ, तुमने मेरी बेटी को किस अधिकार से भेजा? तेरी बेटी पर भला मेरा क्या अधिकार हो सकता है? हाँ, पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए अपनी जरूर लगती थी। सोचा यहां रहेगी तो डाकू की दुल्हन बनेगी, डाकू ही जनेगी, जवानी में विधवा होने की चिंता खा जाएगी और बुढ़ापे में गोद सूनी होने की। सो बस मैंने उसे भेज दिया, अब तू जो चाहे सजा दे दे। हिम्मत की तो सभी दाद देते, मगर मैं तो दाद दूंगा तेरी ममता की। अरे वाह वाह वाह, तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी? अरे कैसी माँ है तू, अपने होने वाली बहू को भगा दिया हवा में। इस जन्म में उसे जिसकी होना था वो हो चुकी। गुड मॉर्निंग बेटे, आओ नाश्ता कर लो। इच्छा नहीं रेडी। यस। आकाश, तुम चंदा हो ना? मगर आपको कैसे मालूम? मुझे आकाश का चाचा ही समझ लो। तुम आकाश से मिलना चाहती हो? आओ मेरे साथ। इस इलाके के जमींदारों के जुल्मों को डाकू पृथ्वी सिंह ने खत्म कर दिया, तो क्या अब हमें यह समझना चाहिए कि डाकू पुलिस का काम करेंगे? फिलहाल तो पुलिस डाकुओं का काम कर रही है। आपका मजाक अच्छा है मिस कामले, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस अपना फर्ज बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। शायद इसीलिए आपने डाकू पृथ्वी सिंह को आजाद छोड़ रखा है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। आपकी इस उम्मीद का कारण? उम्मीद नहीं, विश्वास। दोस्तों, ये लड़की चंदा है, डाकू पृथ्वी सिंह की बेटी। मेरे विश्वास का कारण ये लड़की है, और ये हमारे कब्जे में तब तक रहेगी जब तक डाकू पृथ्वी सिंह अपने गिरोह समेत अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता। That's all. सूरज की यह मजाल, उसे मालूम नहीं कि ठाकुर पृथ्वी सिंह के खून में इतनी गर्मी है कि वह लोहे की सलाखों को पिघलाकर अपनी चंदा को छुड़ा सकता है। यह लड़की चंदा है, डाकू पृथ्वी सिंह की बेटी। मेरे विश्वास का कारण यह लड़की है, और ये हमारे कब्जे में तब तक रहेगी जब तक डाकू पृथ्वी सिंह अपने गिरोह समेत अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता। That's all. जिला मंडोर के एसपी सूरज सिंह ने आज हमारे संवाददाता को बताया कि ये चंदा है, डाकू पृथ्वी सिंह की बेटी। ये तब तक हमारे कब्जे में रहेगी जब तक डाकू पृथ्वी सिंह अपने साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर देता। उन्होंने ये सूचना आज पुलिस हेडक्वार्टर्स में दी। You can't do this, Dad. आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूं। आपने उसे कहां रखा है? बताइए मेरी चंदा कहां है? वो जहां भी है पुलिस की कस्टडी में सुरक्षित है।
मगर आपने उसे क्यों पकड़ा? उसका क्या कसूर अगर उसका बाप डाकू है? आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मैंने उसकी रिहाई की शर्त रखी है। क्या आप कानून की आड़ में ब्लैकमेल कर रहे हैं? एक बाप की फीलिंग्स का फायदा उठा रहे हैं? अपनी पोस्ट, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दूंगा। चांटा मारिए, चाहे गोली मारिए, लेकिन मैं आपको पृथ्वी सिंह को पकड़ने के लिए चंदा को होस्टेज बनाकर नहीं रखने दूंगा। ये क्या बेहूदगी है? बताइए, बताइए मेरी चंदा कहां है? एक डाकू की बेटी की खातिर अपने बाप पर गोली चलाएगा? नहीं डैड, मैं आप पर गोली नहीं चला सकता, लेकिन मैं अपनी जान जरूर ले सकता हूं। डैड, आप जानते हैं कि चंदा की खातिर मैं अपनी जान दे सकता हूं। डैड, अपने सिपाही से कह दीजिए कि चंदा को फौरन मेरे हवाले कर दे। आकाश, तुम पागल हो गए हो? नहीं डैड, आगे मत बढ़िए। हां, मैं पागल हो गया हूं। सीरियसली, मैं सिर्फ तीन गिनता हूं। एक, दो। चंदा को इस दीवाने के हवाले कर दो। थैंक्स डैड। गजब हो गया, आकाश चंदा को लेकर जेल से भाग गया।
की हिम्मत की तो सभी दाद देते हैं, तू हिम्मत की नाक की दाद दे। कुत्ते की तरह सूंघता सूंघता चलाया, ले चलो इन्हें। अंजाम तू खुद सोच ले ठाकुर पृथ्वी सिंह। हमारे दुश्मन का बेटा हमारी बेटी पर नजर डाले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। नहीं बापू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इसकी जान मत ले, इसे छोड़ दे, तुझे मेरी कसम बापू, इसे छोड़ दे बापू, तुझे मेरी कसम। नहीं चंदा, मेरी जिंदगी की भीख मत मांग। यहां जान निकलते वक्त मेरी आंखों के सामने तू होगी, मौत इससे ज्यादा क्या मेहरबान हो सकती है। हिम्मत जी, कल सवेरे चंदा के साथ तेरी शादी होगी, तैयारी करो। ओए लगू सरदार, हवा में कल मेरी शादी होगी, हवा में मेरा चंदा का गठबंधन होगा, हवा में मैं दूल्हा बनूंगा, हवा में कल तेरी बर्बादी होगी, हवा में। देख तो आज की रात मरना नहीं है, मेरी शादी देखकर मरना, हवा में मैं तुझे जिंदा रखूंगा, हवा में रस्सियों से बांध कर रखूंगा, हवा में मैं दूल्हा बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा हवा में। Woo!
चंदा को कभी कोई दुख मत देना बेटे। जब से बच्ची थी तब से मेरी चाह थी इसे अपनी बहू बनाऊंगी, मगर ये रिश्ते धरती पर थोड़े ही बनते हैं। जाओ, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। भलो भूलो खुश रहो, मेरी यही दुआ है। काकी, मुझे अपनी माँ का चेहरा बिल्कुल याद नहीं, मगर अब मैं अपनी माँ का चेहरा कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। हिम्मत की तो सभी दांत देते हैं, तू हिम्मत की खोटी किस्मत की दांत दे कि उसकी सगी माँ ने उसके साथ धोखा किया, मगर माँ मैं तेरे अरमान पूरे नहीं होने दूंगा, मैं सारा अंजाले को उड़ा दूंगा हवा में। चंदा मेरी है, मेरी चंदा को तू लेकर नहीं जा सकता। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी भाग जा, भाग जा। ए! रुक जा, रुक! नहीं बेटे, जाने दे उन्हें, अगर तुझे चंदा से जरा भी प्यार है तो उन्हें जाने दे। बेटे की खुशियों पर पानी फेर रही है तुम, मार के डायन। अपने माँ की बात मान ले बेटे, उन्हें जाने दे। चंदा मेरी है, वो मेरी है माँ, वो मेरी है, भाग जा। भौजी, भौजी, क्या हुआ, क्या हुआ भौजी? मेरी मौत की घड़ी आ गई। लेकिन तुम्हें गोली कैसे लगी? सरदार, माँ ने उन दोनों को भगा दिया, मैं आकाश पर गोली चला रहा था, माँ बीच में आ गई। मैं तेरी कसूरवार हूँ पृथ्वी, वो दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। मुझसे उसका दुख नहीं देखा गया, तू कैसे देख पाएगा? आकाश के बिना वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। बोझी, बोझी, ऐसा मत कहो बोझी, ऐसा मुझे वचन दे दे, वचन दे दे, तू दोनों को मिला देगा, वचन दे दे। भौजी, भौजी, मैं वचन देता हूं। भौजी, अब मैं चैन से मर सकती। भौजी, भौजी, क्या? तुझे पृथ्वी सिंह की जान चाहिए ना? अरे पृथ्वी सिंह की जान लेने के लिए तो इस शरीर में जान बाकी है। तो फिर आजा मेरे साथ हवा में। चल।
इससे बड़ा खतरा तुम्हारे पीछे है। मुझे पता चला कि तू सचमुच कातिल है, तू मेरे बेटे की जान लेना चाहता है। सूरज, मुझे गलत मत समझ, मैं चंदा और आकाश को रोकने के लिए घोड़े की टांग पर गोली चला रहा था। दुनिया में जीने से तो मरना बेहतर है। चंदा, हवा में। पृथ्वी सिंह, अपनी आंखों से देख ले कि मैं मर कर भी नहीं मरा, तुझे मारने के लिए आज तक जिंदा हूं। मेरे होते हुए तू इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वारे कलयुग के विभीषण, तेरे भाई ने मेरे कंधे पे बंदूक रखवा के इसका पूरा खानदान मिटा दिया और आज तू इसी का हिमायती बन रहा है। यानी मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला था। मरेगा नहीं, चंदा से मेरी शादी नहीं होगी, तुझे तो जाना ही होगा हवा में। मैंने कहा था ना, चंदा मेरी है। अपने जवान बेटे की मौत अपनी आंखों से देखेगा और तू पृथ्वी सिंह, तेरी जवान बेटी का खूबसूरत बदन हिम्मत सिंह की बाहों में होगा। कुत्ते की औलाद कबीले, we'll be right back।
तेरा मुजरिम सही, लेकिन आज मेरी झोली में मेरी बेटी की खुशियां डाल दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि चंदा हमारे घर की चांदनी होगी। बैठो यहां यू ना दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा तो तुम्हें ABC। चलो हट जाओ मुझे छोड़ो जी, नहीं पढ़नी मुझे ABC। अच्छा बाबा अच्छा मुझे माफ करो, रुक जाओ मुझे न सताओ, करीब तो आओ तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा तो तुम्हें।